हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नर्स्ड हीट थ्योरम। जब भी आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, इस थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि नर्स्ड हीट थ्योरम क्या है, किसके बारे में हम नर्स्ड हीट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इन सारी चीज़ों का हम डिटेल स्टडी करेंगे नर्स्ड हीट थ्योरम में। तो सबसे पहले इस थ्योरम को जानने के लिए हम एक इक्वेशन देखेंगे जिसका नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। जो बच्चे हमारे साथ सेशन को ज्वाइन किए हैं वो सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेंगे या बार बार नोट करते चलेंगे जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं। इसके पहले भी आपको कई सारे लेक्चर दिए जा चुके हैं, आप उन सारे लेक्चर्स को जरूर देखें। तो आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बताया गया था कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच टी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट फी। इसी इक्वेशन को अगर आप डेल्टा एच को इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल जी अपॉन डेल टी कांस्टेंट फी। जहाँ पे जो हमारा टर्म है, डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी। मैंने इन सारे टर्म के बारे में आपको बताया था जब मैंने मैक्सवेल रिलेशनशिप पढ़ाया, वहाँ पे मैंने बताया डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा। तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। अगर इसी इक्वेशन में हम टेम्परेचर जीरो कर दें तो जहाँ जहाँ हमारा टी है वहाँ वहाँ पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा, और टेम्परेचर टी को जीरो करते ही पूरा पॉइंट जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जी किसके बराबर होगा, डेल्टा एच के, यानी कि जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर क्या रख देंगे, एब्सोल्यूट जीरो रख देंगे। आगे हम बात करते हैं रिचार्ज बाई मेजरिंग ई एम एफ ऑफ सेल्स। जब भी हम अलग अलग सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ईएमएफ मेजर करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि जो वैल्यू है डेल डेल जे अपॉन डेल टी की वो डिक्रीज करती है। जो भी आपने वैल्यू लिखा है डेल डेल जे अपॉन डेल टी की, इन डिक्रीज करती है अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, डिक्रीज करते जाएं। तो इससे एक इक्वेशन मिला कि अगर हम टेम्परेचर को घटाते जाएंगे, अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाए तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी इस तरह से। अभी इसके लिए हम आपको ग्राफ बताएंगे। और इसी पॉइंट से क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जो वैल्यू है डेल्टा जी की और डेल्टा एच की वो एक दूसरे को जब अप्रोच करेंगे, यानी एक ऐसा पॉइंट है जब एक दूसरे के दोनों वैल्यू अप्रोच करेंगे, उस समय क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड दैट डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टेंड टू अप्रोच ईच अदर मोर एंड मोर क्लोजली एट दी टेम्परेचर लोअर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करते हैं, जो डेल्टा जी और डेल्टा एच हैं एक दूसरे को अप्रोच करते जाते हैं। आप नर्स्ड हीट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको जानेंगे तो आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे से जान जाएंगे। हम और भी कुछ लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ज़रूरी है आप पूरा लेक्चर ज़रूर देखिए और हमें बताइए कि आपको ये थ्योरम लर्न हुई कि नहीं हुई। नर्स्ड रिलाइंग ऑन दिस डाटा, जब भी हमारे जो साइंटिस्ट थे नर्स्ड ने इस डाटा को देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो जो डेल जी अपॉन डेल टी की वैल्यू वो भी डिक्रीज कर जा रही है, तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट सजेशन दिया, एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दी वैल्यू ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी अप्रोचेज जीरो ग्रेजुअली एज दी टेम्परेचर इज लोअर्ड। कि अगर हम जो टेम्परेचर को क्या कर दें, ग्रेजुअली लोअर कर दें, एब्सोल्यूट जीरो रख दें, तो जो डेल जी अपॉन डेल टी की वैल्यू है वो जीरो अप्रोच कर जाती है। दिस इज नोन एज दी नर्स्ड हीट थ्योरम। यही आपकी क्या है, नर्स्ड हीट थ्योरम है। आप इतनी इंपॉर्टेंट लाइन को आप जरूर याद करिए जो नर्स्ड हीट थ्योरम में बताया गया है कि ये जो भी आपको अलग अलग सजेशंस मैंने दिया, इस आधार पे नर्स्ड ने सजेस्ट किया कि जो वैल्यू है डेल जी अपॉन डेल टी की वो अप्रोच करती है जीरो ग्रेजुअली एज दी टेम्परेचर इज लोअर टुवार्ड्स दी एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज नोन एज दी नर्स्ड हीट थ्योरम। इसे आप क्या कहते हैं, नर्स्ड हीट थ्योरम कहते हैं।
जनरली बीएससी के भी सिलेबस में ये पॉइंट मेंशन है, एमएससी में भी कुछ टॉपिक्स में सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो नरेस्टेड थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स थर्ड पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से गुजरना जरूर पड़ेगा। अब बात करें आगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम डेल जी एंड डेल एस नॉट ओनली बिकम इक्वल टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जो आपके वैल्यू हैं डेल जी की और डेल टी एच की वो केवल एक, अभी आपने क्या किया था जब टेम्परेचर जीरो था तो डेल जी इज इक्वल टू क्या था, डेल एस था, तो एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है बट एक दूसरे को अप्रोच भी करते हैं एसिम्प्टोटिकली, दैट इज ग्रेजुअली टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। तो इस तरह से आप डेल जी और डेल एच के बीच में एक ग्राफ बना सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर आपकी डिक्रीज करने पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ग्राफ आपका दिया है डेल्टा जी और डेल्टा एस विद टेम्परेचर। अगला पॉइंट देखेंगे, दिस अप्रोच ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एस टूवर्ड्स ईच अदर इज रिप्रेजेंटेड बाई फुल लाइन्स एंड नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन्स। तो आपको दो लाइन यहाँ बनती हुई नजर आ रही है, एक आपको फुल लाइन बनी हुई है, एक आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो भी आपने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा था, इसी नरेस्टेड थ्योरम को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिमिट आप क्या रख रहे हैं, टेम्परेचर जीरो रख रहे हैं, तो डेल जी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी और जो डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, ये सब किसके बराबर हैं, जीरो के बराबर हैं। यानी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो डेल जी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसी तरह से डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, ये भी क्या है, जीरो के बराबर है। मैंने आगे भी कहा था कि डेल जी और डेल एच एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार बात करें तो क्या होता है, जो टर्म आपका डेल जी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी है वो माइनस डेल एस के बराबर होता है। डेल एस क्या है, डेल्टा एस आपकी क्या है, एंट्रोपी है, जो भी एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन है। और इसके पहले मैंने आपको एक इक्वेशन पढ़ाया था किरचॉफ इक्वेशन, अगर आपको याद होगा तो हमने डेल डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू बताया था डेल्टा सी पी, और सी पी क्या है यहाँ पे, डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट कैपेसिटी है उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, डेल्टा सी पी के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल गए, एक तो इसको आपने फर्स्ट माना, इसको सेकेंड माना, इसको थर्ड माना। तो अगर आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे डेल्टा एस भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सी पी लिख सकते हैं, तो डेल्टा सी पी बराबर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए यह लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आप सारे टॉपिक्स का नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको पता है कि नोट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप हर टॉपिक का नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो लिमिट टेम्परेचर जीरो है, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा सी पी इज इक्वल टू जीरो, आपको दो टर्म मिल गए। अब इस इक्वेशन का सीक्वेंस सिग्निफिकेंस क्या है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए मिल गई होंगी। एंट्रोपी जीरो है, तो अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी कम है अथवा जीरो की तरफ टेंड कर रही है तो नरेस्टेड थ्योरम को अप्लाई करेगा वो जनरली। अगर हम बात करें तो गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें तो एंट्रोपी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होती है। अगर बात करें तो सबसे कम एंट्रोपी किसमें होती है, सॉलिड में, क्योंकि उसमें रैंडमनेस कम होती है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। गैस के लिए जो है नरेस्टेड थ्योरम ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, जबकि गैसेज में तो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके आगे हम देखते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, मे बी सारे बच्चे इस क्लास को देख पा रहे होंगे जो भी हमारे साथ सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन टेंड टू अप्रोच जीरो एंड द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आल्सो अप्रोच जीरो। जब भी हम टेम्परेचर को लो करते जाते हैं तो जो भी आपका एंट्रोपी है किसी भी रिएक्शन की वो जीरो को अप्रोच कर जाती है, और जो भी आपका
हीट कैपेसिटी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का, वो भी अप्रोचेज जीरो कर जाती है जब भी हम टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं, यानी एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है जो कि कभी कभी आपके कंपटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नरस्ट हीट थ्योरम है होल्ड गुड ओनली इन दी केस ऑफ प्योर सॉलिड्स, जो आपके प्योर सॉलिड हैं जिसमें मालिक्यूल पास पास होते हैं, रैंडमनेस बहुत ही कम होता है, एंट्रोपी बहुत ही कम होती है, इस केस में आपका क्या होता है, नरस्ट हीट थ्योरम काफ़ी अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने कहा कि नरस्ट हीट थ्योरम कह रही है कि डेल्टा एस का मान क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, यानी रैंडमनेस नहीं है। अगर रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो आपका डेल्टा एस का मान जीरो नहीं होगा। तो ये था आपका नरस्ट हीट थ्योरम। बहुत जल्द हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन, शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा लेक्चर चाहिए इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।